नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। महाकाल सेना गुजरात के महासचिव भृगुवेंद्र सिंह कुंभावात से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि चीनी सामानों का बहिष्कार करना हमारे वीर शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि है। महाकाल सेना गुजरात के महासचिव भृगुवेंद्र सिंह कुंभावात ने हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए बताया कि यदि चीन कल भारत पर कब्जा कर लेता है तो हम सभी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। अंग्रेजों ने भी भारत के साथ व्यापार करके हम सभी को गुलाम बनाया। हम तब अशिक्षित थे, लेकिन आज हम सभी समझदार हो गए हैं। स्वदेशी अपनाओ और देश बचाओ। अगर भारत के लोग 90 दिनों तक कोई विदेशी सामान या सेवाएं नहीं खरीदते हैं तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश बन सकता है। इस संकल्प के लिए हिंदू युवा संगठन के अध्यक्ष सरवीन भाई पटेल और प्रतीक भाई पटेल ने कहा कि चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का संकल्प हमारे वीर शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं हर्षद कुमार, आप देख रहे हो एचपीएन न्यूज चैनल। हमारे वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए चीनी सामानों का बहिष्कार करने का हिम्मतनगर के युवा संगठन द्वारा लिया गया संकल्प। आइए जानते हैं कि किस तरह संकल्प लिया है, और आपको यह भी बता दें कि उन युवा संगठन द्वारा हिम्मतनगर शहर में जो चीनी कंपनी का बोर्ड बैनर लगाया गया है उनको हटाने के लिए सूचित कर दिया गया है। चलिए हम आगे जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहे। दस तारीख सुधी कोईपण शोरूम में कोईपण ओप्पो विवो एमआई मोबाइल नहीं मड़े, એટલે બોર્ડ બી બધી જગ્યા ઉતરશે। દસ તારીખ પછી આપી, દસ તારીખ સુધી આપી ઉતારવાના। દસ તારીખે કોઈ સમય સ્ટોક નહીં મળે તમારે, પણ જે બી પતાવી દે, કોઈ બી શોરૂમમાં કે કોઈ બી દુકાનમાં જાણી હોય તો દસ તારીખ પછી ના પડે, વિનંતી કરવાની। ઓકે।